अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के कैपिटल बिल्डिंग में जमकर मवाल। लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए लोग और ट्रंप के समर्थन में लगते नारे। सबसे पुराने लोकतंत्र की ऐसी दशा देख दुनिया हैरान थी। इस हिंसक बवाल के लिए सीधे तौर पर उंगलियां डोनाल्ड ट्रंप पर उठ चुकी हैं और उनके जेल जाने की अटकलें भी लगने लगी हैं। अमेरिका के बीते 200 सालों के इतिहास में ट्रंप समर्थकों की हिंसा ने सिविल वॉर के मंजर को जिंदा कर दिया। इस घटना के बाद खुद ट्रंप की पार्टी के नेता इस घटना के कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। कई अमेरिकी सांसद चाहते हैं कि ट्रंप को भड़काऊ बयान के जरिए हिंसा भड़काने के जुर्म में जेल भेजा जाए। हालांकि यह मामला यहीं तक सीमित नहीं है। द हिल की रिपोर्ट के मुताबिक 200 से ज्यादा सीनेटर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाकर 20 जनवरी से पहले पहले उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाना चाहते हैं। फिलहाल ट्रंप का राष्ट्रपति पद उनका कवच कुंडल बना हुआ है, लेकिन ये कवच कुंडल ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला। कहा जा रहा है कि 20 जनवरी के बाद जैसे ही ट्रंप पद छोड़ेंगे, उन पर गिरफ्तारी की तलवारें लटकने लगेंगी। हालांकि महाभियोग की अटकलों पर CNN की रिपोर्ट भी गौर करने लायक है। CNN के मुताबिक कहा गया है कि ट्रंप पर महाभियोग चलाने का कोई तुक नहीं बनता। उन्हें हटाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि भले ही हिंसा के बाद उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कड़ा रुख अपनाया था, लेकिन वे अभी भी अनुच्छेद 25 का इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं है। पेंस भले ही ट्रंप के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन उन्हें पार्टी की साख पर बट्टा लगने का डर सता रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि 4 साल बाद पेंस ही रिपब्लिकन्स की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने। बता दें कि ये हंगामा उस दौरान हुआ है जब अमेरिकी संसद में हाल ही में हुए चुनाव नतीजों पर आखिरी मुहर लगाने की कार्यवाही की जा रही थी। 20 जनवरी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन पद संभालने वाले हैं। हालांकि अब गिरफ्तारी की आशंकाओं के मद्देनजर अब ट्रंप के भी सुर नरम पड़ चुके हैं और उन्होंने अपने ही समर्थकों की निंदा की है, लेकिन अभी भी ट्रंप निष्पक्ष चुनाव की बात को खारिज कर रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।